हमारी कौम का एक एक बंदे को जरूरत है कि अपने अंदर देखे कि मैं क्या डिजर्व करता हूँ। इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड, इंडिया के आप एजुकेशन लेवल चेक करें, उनकी आप पोलाइटनेस चेक करें, उनके लोग जब टीवी पर आके इंटरव्यू देते हैं क्रिकेटर्स, उनको बोलने की तमीज होती है। इंडिया IIT ठीक है, वो हमसे ऊपर जा रही है, हमारे इधर IT का स्कोप आता है। ये पिछले 1.5 महीने से आपने नेट का देखा है, फाइबर पे हमें कोई काम नहीं मिल रहा, सिर्फ हमें वो क्या समझ रहे हैं कि ये है सी, जिस माथे पे सी लिखा हुआ है पाकिस्तानियों के। मेरे इतने दोस्त से कहते कि यार दुआ अल्लाह करता कि पार्टीशन ना होती, हमें फेसबुक में और गूगल में काम करने का मौका मिलता। IT के बात कर लेते हैं, आप मेडिकल की बात करें, आपकी क्रीम के पास जॉब्स नहीं यहाँ पे मिलती, उन्हें बाहर जाना पड़ता है, जो प्लेब वगैरह नहीं कर पाते वो लोग यहाँ पे डॉक्टर, एक थर्ड क्लास डॉक्टर आपको पाकिस्तान में मिलेगा। जो अब क्योंकि इंडिया का तो वीज़ा मिलता नहीं है, दुबई का स्टूडेंट वीज़ा लेके अब आप भी IIT में पढ़ के सुंदर पिचाई की तरह गूगल के CEO बन सकते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी जब भी UAE, अबू धाबी, रियाद, सऊदी अरेबिया, कतर या फिर किसी भी इस्लामिक कंट्री में जाते हैं तो वहाँ जाके हमेशा मदद की अपील करते हैं, पैसे मांगते हैं या फिर ये रोना रोते हैं कि इंडिया ने हमारे साथ ये कर दिया, इंडिया ने हमारे साथ वो कर दिया, लेकिन कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे मुल्क में एजुकेशन के निज़ाम को बेहतर करें, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें ताकि यहाँ के नौजवानों को नौकरियाँ मिल सकें। यह है कि इंडिया जो कि हमारा हमसाया मुल्क है लेकिन हम उसे दुश्मन मुल्क तसव्वुर करते हैं, वो UAE के अंदर, दुबई के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोलने जा रहा है जो कि बहुत बड़ी बात है। तो ये जैसे आप बात कर रही हैं कि हम सऊदी अरब, UAE जाते हैं, कतर, बहरीन, उधर जाके सिर्फ हमने रोना है कि इंडिया ने हमारे ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, हम अपनी तरफ नहीं देख जा रहे। इंडिया IIT ठीक है, वो हमसे ऊपर जा रही है, हमारे इधर IT का स्कोप आता है। ये पिछले 1.5 महीने से आपने नेट का देखा है, फाइबर पे हमें कोई काम नहीं मिल रहा, guru.com पे हमें नहीं मिल रहा, सिर्फ हमें वो क्या समझ रहे हैं कि ये है सी, जिस माथे पे सी लिखा हुआ है पाकिस्तानियों के। अब ये देखें ना कि इंडिया का ये कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है, सिर्फ IT की वजह से आप देखें कि इंडिया की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ये जैसे कहते हैं ना, किसी के लिए हम खुदाई करते हैं, उसमें हम खुद गिरते हैं, उन्होंने कर ली, हम गए हैं। ठीक है, अपना हमारे पाकिस्तानी कौम की ये बुजदिली है कि हम अपने दिमाग से नहीं सोचते, ये IIT सिटी UAE में बना रहे हैं, आपके सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, आप उधर खोलें। भाई कौन से ताल्लुकात अच्छे हैं आप मुझे बताएं, सऊदी अरेबिया जो है वो खुद इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, उसने कहा है कि मैं इंडिया के स्टार्टअप के अंदर $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करूंगा, क्योंकि इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं वो आने वाले दिनों में रूल करेंगे पूरी दुनिया में। बात करें कि इंडिया उनको रिटर्न करेगा, हम क्यों उनको रिटर्न करेंगे? ठीक है, अगर हमने 10,000 ले लिया, उनको हम 2-2 रुपए करके वापस करेंगे, वो कभी इन्वेस्टमेंट करेंगे? मिल रहा है। और आप देखें, इंडिया ने खुद उन्हें ऑफर किया कि हम आपके मुल्क के अंदर IIT खोलना चाहते हैं। क्यों इंडिया ने? उनको पता है कि इंडिया अपकमिंग ईयर में बहुत बड़ी एक उभरता हुआ मुल्क है। ठीक है, इस पे मैं ये कहूँगा कि बड़ी अच्छी बात है कि अब फाइनली पाकिस्तानियों को भी IIT जैसे शानदार इंस्टीट्यूट पढ़ने का मौका मिलेगा, जो अब क्योंकि इंडिया का तो वीज़ा मिलता नहीं है, दुबई का स्टूडेंट वीजा लेके अब आप भी IIT में पढ़ के सुंदर पिचाई की तरह गूगल के CEO बन सकते हैं। लेकिन बात यह है कि UAE पाकिस्तानियों का वीजा नहीं दे रहा, तो वहाँ जाते हैं और ये बेरोजगार होते हैं, ये भीख मांगना शुरू कर देते हैं, क्राइम करते हैं, क्राइम से ज्यादा भीख मांगना शुरू कर देते हैं। अभी मैं उमरा करने गया, मैंने पहले उमरा किया, उससे दूसरा उमरा करने गया तो मुझे ड्राइवर ने बोला कि यार आप गारे हिरा का ज़ियारत करके आ जाओ। मैं गारे हिरा पे चढ़ाऊँ, तकरीबन 1.5 घंटे की सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती हैं, रास्ते में मुझे कोई 40-50 भिखारी मिले हैं, सारे पाकिस्तानी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये हंसने की बात नहीं, शर्मिंदगी की बात है, यानी कि आप अपने मुल्क को बदनाम करें पूरी दुनिया में। कोई कमेंट करें, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हर वक्त किसी मुल्क के मिशन पर होते हैं, ऑलरेडी दुनिया का हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर उनके मुल्क में बैठा हुआ है, फिर भी वो किसी ना किसी को जो है घसीट कर खींच कर ले आते हैं। यार दुआ अल्लाह करता कि पार्टीशन ना होती, हमें फेसबुक में और गूगल में काम करने का मौका मिलता। अगर देखी तो कोई कंसिस्टेंसी नहीं है पॉलिसी के अंदर, कौन यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेगा? बेड़ा गर्क करके रख दिया हमने पाकिस्तान का, पता नहीं हमने शायद इसी मुल्क के लिए पाकिस्तान बनाया था। भाई देख लो, पिछले 30 साल से इस मुल्क में हर चीज खराब से बदतर से बद हो गई है। हमारी क्रिकेट टीम आप देख लें, देखते आज ये हाल है कि आप बांग्लादेश से 2-0 होम में हार गए हैं। इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड, इंडिया के आप एजुकेशन लेवल चेक करें, उनकी आप पोलाइटनेस चेक करें, उनके लोग जब टीवी पर आके इंटरव्यू देते हैं क्रिकेटर्स, उनको बोलने की तमीज होती है, हमारों को ना बोलने की तमीज है ना कोई तालीम। इधर जो पॉलिसीज बनाने वाले हैं या जो पॉलिसीज बन रही हैं उसके ऊपर मेरा ख्याल से इतने नाहिल हैं वो, या उन्हें नॉलेज नहीं है, या वो लूटमार में लगे हुए हैं। सर हम बात करें अगर अपने हमसाय मुल्क भारत की, वहाँ पे एजुकेशन का निज़ाम बेहतरीन है, अब वो अपने एक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक ब्रांच जो है वो दुबई के अंदर खोलने जा रहे हैं। IIT के बात कर लेते हैं, आप मेडिकल की बात करें, आपकी क्रीम के पास जॉब्स नहीं यहाँ पे मिलती, उन्हें बाहर जाना पड़ता है,
जो प्लेब वगैरह नहीं कर पाते वो लोग यहाँ पे डॉक्टर, एक थर्ड क्लास डॉक्टर आपको पाकिस्तान में मिलेगा जो इस काबिल ही नहीं है कि टेस्ट पास करो वहाँ जा सके। हमारा मेन मकसद प्रॉब्लम यह है इस मुल्क का कि जो भी गवर्नमेंट आ रही है वो इन साइटों पर नहीं सोचती कि जब तक आप बिजनेस, नया बिजनेस को आप बेनिफिट नहीं दोगे काम करने का, उसको थोड़ी रिलैक्सेशन नहीं दोगे, वो कैसे ग्रो करेगा। तो मेरे हिसाब में आपको बजाय एजुकेशन के ऊपर बात करने के, आपको ये प्रोग्राम करने चाहिए कि आप जो बिजनेसेस हैं उनको गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है, ठीक है, और उसको क्या बेनिफिट दे रही है, ताकि आपकी जो यंग जनरेशन है, मुझे अब ये बताएं आपकी UMT यहाँ पे बनी हुई यूनिवर्सिटी है, UCP है, एक स्टूडेंट करोड़ रुपये दे के वो स्टडी करता है, उसने यूनिवर्सिटी वाले तो करोड़ लेके अपनी जेब गर्म कर ली है, करोड़ के बाद गारंटी क्या है कि उसको जॉब मिलेगी? 90% स्टूडेंट के घर में बैठे हुए हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है, ठीक है। एक अब उससे बेहतर था कि माँ बाप बजाय उसकी स्टडी कराने के ग्रेजुएशन करोड़ में करवाते, करोड़ में उसको कोई बिजनेस खोल देते, ठीक है। लेकिन मसला यह है कि आपके इंस्टीट्यूशन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो आ गई हुई हैं अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है, लेकिन आप इतनी सैलरी इतनी रखी हुई अपनी, मतलब फीसिस रख दी हैं कि स्टूडेंट और कहीं उन्हें एडमिशन नहीं मिलता, मेरिट पर नहीं आते, माँ बाप जो पैसा दे के पढ़ाते हैं, आगे जॉब नहीं है। हाल ही में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात UAE में एक नया भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने की घोषणा की है। ये कदम भारत और UAE के बीच बढ़ते शैक्षणिक और आर्थिक संबंधों का प्रतीक है। ये पहली बार है जब भारत ने अपनी प्रतिष्ठित IIT संस्था को देश के बाहर स्थापित किया है। इस निर्णय का उद्देश्य विश्व स्तर पर भारतीय शिक्षा की पहुँच बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। इस खबर के बाद पाकिस्तान में तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कई पाकिस्तानी सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि जहां एक ओर भारत को विश्व स्तर पर सराहा जा रहा है और उसे गले लगाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को सम्मान नहीं मिल रहा है। इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं पाकिस्तान में बढ़ते असंतोष और हताशा को दर्शाती हैं, जो देश की वर्तमान राजनीतिक और आर्थिक स्थिति से जुड़ी है। कई पाकिस्तानी नागरिकों का मानना है कि उनके देश की सरकार और नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने में असफल रहे हैं। वे महसूस कर रहे हैं कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है, जबकि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग पड़ता जा रहा है। भारत की इस पहल से न केवल UAE में रहने वाले भारतीयों को लाभ होगा, बल्कि ये दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगा। पाकिस्तान में इस पर होने वाली प्रतिक्रियाएं इस बात का संकेत है कि वहां के लोग भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को एक चुनौती के रूप में देख रहे हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।